हेलो फ्रेंड्स, तो आप कैसे हो? आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। मैंने ये लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है, आपको इस तरह की सिल के दिखाऊंगी। बहुत ही आसानी से कॉटन की ड्रेस बनाऊंगी, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, तो लड्डू गोपाल जी को अगर हम कॉटन की ड्रेस पहनाते हैं तो हमारे बच्चों जैसे ही होते हैं। तो नरम कपड़े की ड्रेस हमारे यहाँ तो पहनाई जाती है कॉटन की गर्मियों में। तो उसके लिए मैंने ये दो तरह के कॉन्ट्रास्ट से जो फैब्रिक है वो लेना है, एक डॉट्स वाला है एक प्लेन है। तो 4 नंबर के ठाकुर जी के लिए हम ड्रेस बना रहे हैं इस तरह की। तो इसके लिए हमने जो चौड़ाई लेनी है पट्टी की, वो हमने 4 इंच लेनी है, और इसकी जो लंबाई है वो 36 इंच लेंगे, परफेक्ट होएगी। तो इस तरह से ये 15 15 इंच की दो पट्टियाँ हैं मेरे पास, 6 इंच का फैब्रिक इसमें थोड़ा सा मैं और ऐड कर लूँगी। तो इसकी जो मेजरमेंट है वो 36 इंच है, 36 इंच के कम बनाएंगे तो वो उतनी परफेक्ट नहीं आएगी ड्रेस। आप बिल्कुल मेजरमेंट के साथ इसके साथ चलिए तो बिल्कुल अच्छी ड्रेस बन जाएगी। तो 36 इंच की लंबी पट्टियाँ हमने लेनी है, इनको मैं ज्वाइन कर लूँगी, उसके बाद मैं ड्रेस बनाना शुरू करूँगी। 2 2 इंच की चौड़ाई पट्टी ली है मैंने, इसके साइड पे पाइपिंग लगा दी है, इस साइड भी पाइपिंग लग चुकी है, इस साइड भी पाइपिंग लग चुकी है। इसकी मेजरमेंट आप देख लीजिए, 6 इंच लंबी पट्टी है, 6 इंच की ये हो गई और 6 इंच की ये हो गई। तो ये 12 इंच की चौड़ी पट्टी थी, इसको मैंने बीच में से कट कर लिया है। अब यहाँ पे 2 इंच का हम निशान लगाएंगे, जहाँ पे हमने जॉइंट डालना है। ये देखिए, यहाँ पे 2 इंच का हमने जॉइंट डाल दिया है। यहाँ पे हमने एक सिलाई लगा देनी है, कैसे, इस तरह से, सिर्फ 2 इंच के मार्जिन पे सिलाई लगेगी। तब ये 2 इंच का हमने निशानी लगा के यहाँ पे सीन लगा दी है। अब इसको हमने यहाँ से फिनिशिंग के लिए हमने एक एक सिलाई लगा देनी है, और यहाँ से ये चोली हमारी ठाकुर जी के लिए रेडी हो जाएगी। यहाँ से सिलाई लगेगी और एक सिलाई यहाँ से लगेगी। तो अब ये सिलाइयाँ लग चुकी है। अब इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है, चोली को इस तरह से फोल्ड कर लेना। यहाँ पे हमने एक एक सिलाई आधे आधे इंच की यहाँ पे लगा देनी है। चाहे तो आप अंदर की तरफ लगा लीजिए, तो चाहे तो आप इसको बाहर की तरफ लगा दीजिए, लेकिन हम इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद हमने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सिलाई लगा देनी है, यहाँ पे बाजू डालने के लिए हम जगह छोड़ देंगे, यहाँ पे सिलाई लग जाएगी। तो अब ये चोली बिल्कुल तैयार है, यहाँ से मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं और यहाँ से ये जॉइंट हो चुकी है, इधर से भी जॉइंट हो चुकी है। अब हमने इसकी एक साइड उठा लेनी है और इसकी यहाँ से जो हमने फ्रॉक की ये बनाई है, यहाँ से अटैच करेंगे इसको, यहाँ से अटैच करते करते सिलाई लगा देंगे। तो अब इसको हमने सेट कर लेना है निकाल के। तो ये देखिए, पीछे की साइड में आपको दिखा रही हूँ, ये बैक साइड है। तो इस तरह से ये बिल्कुल हमारी ड्रेस है, जो ठाकुर जी के लिए 4 नंबर के 3 नंबर के ठाकुर जी के लिए ये परफेक्ट हो जाता है। इस मेजरमेंट के साथ आप ड्रेस तैयार करेंगे तो कभी भी आपकी ड्रेस में कोई भी एक्स्ट्रा इस तरह से कोई भी नुक्स है जो नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल परफेक्ट आपकी जो ड्रेस है वो बन के रेडी हो जाएगी। तो अगर आपको ये ठाकुर जी की ड्रेस बनाने की वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।